हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपकी थोड़ी एंजाइटी बढ़ जाती है कि आपको डिलीवरी कैसे होगी, डिलीवरी का कौन सा रूट होगा, बेबी ठीक होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ में आपका एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ जाता है क्योंकि बेबी आने वाला है। सो ये कुछ एक मिक्स ही फीलिंग्स होती हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि 27th वीक में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होंगे, आपके बेबी में क्या चेंजेस होंगे, इसमें आपको क्या टिप्स फॉलो करनी है और जो वुड बी डैडीज हैं उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी। देखिए, आपकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, जो पहले से चेंजेस हो रहे हैं, वो सब कंटिन्यू करते हैं, यूजली परसिस्ट करते हैं वो सब चेंजेस। साथ ही साथ में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हैवीनेस लगने लगे या आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगे। अब क्या होता है कि बेबी भी एक तो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, साथ ही साथ में क्या होगा कि आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ता है वैसे वैसे डायफ्राम लंग्स को कंप्रेस करते हैं, तो लंग्स ठीक से एक्सपैंड नहीं हो पाते, तो इसीलिए ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और आपको बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है। आपके हाथों पैरों पे भी सूजन आ सकती है, हो सकता है आपको सूजन आ जाए जो कि हो सकता है बढ़ते हुए बीपी की वजह से आ जाए। साथ ही साथ में इस वीक से आपको बेबी के मूवमेंट्स अच्छे से फील होने लगते हैं, आपको पता चलने लगता है कि बेबी मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है। लेकिन आपको इस वीक से अभी अपने मूवमेंट्स काउंट नहीं करने हैं, बस मूवमेंट्स अच्छे से फील हो रहे हैं तो इसका मतलब बेबी ठीक है, बस आपको यही देखना है। अब बात करते हैं बेबी में क्या चेंजेस होंगे। देखिए, बेबी की हाइट लगभग 14 से 14.5 इंचेस होती है, बेबी का वेट लगभग 950 ग्राम्स के बराबर होता है, बेबी की जो आई लैशेज बंद होती हैं वो अब धीरे धीरे करके बेबी खोलने लगता है, बेबी की हियरिंग की जो नर्व्स थी वो ठीक से डेवलप हो जाती हैं, इसलिए बेबी ठीक से सुनने लगता है। लेकिन बेबी की जो समझने की क्षमता है वो अभी डेवलप नहीं हुई होती है, क्योंकि जो माइलिनेशन होता है नर्व्स का, यानी कि नर्व्स पे एक माइलिन की शीथ चढ़ती है, वो 2 ईयर्स तक कम्प्लीट होती है, इसलिए यूजली 2 ईयर्स के बाद ही बेबी की समझने की क्षमता अच्छे से डेवलप हो पाती है। तो काफ़ी सारी फीमेल्स ये पूछती हैं कि क्या हम गर्भ संस्कार ले सकते हैं, तो उसकी इतनी ज़्यादा कोई नीड नहीं है, क्योंकि बेबी का जो माइलिनेशन है यानी कि समझने की क्षमता है वो 2 ईयर्स के बाद ही अच्छे से डेवलप होती है, तो इसकी इतनी ज़्यादा कोई नीड नहीं है। अब बात करते हैं आपको क्या टिप्स फॉलो करनी है। देखिए, अगर आपने अभी तक अपने ब्लड टेस्ट नहीं कराए हैं तो आपको तुरंत अपने ब्लड टेस्ट कराने हैं, अपना ब्लड ग्रुप कराना है, जिसमें कि अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको ICT कराना पड़ता है, इंडायरेक्ट कूम टेस्ट कराना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको एंटीटी इंजेक्शन लेना होता है। साथ ही साथ में अगर आपने अपना अभी तक ग्लूकोज टेस्ट नहीं कराया तो आपको अपनी ग्लूकोज टेस्टिंग भी ज़रूर करानी है, अपने वायरल मार्कर्स करा लीजिए, यूरिन का टेस्ट करा लीजिए। तो ये सब कुछ बेसिक टेस्ट है जो कि आपको ज़रूर कराने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी में। आप इस टाइम पे चाइल्ड बर्थ एजुकेशन क्लासेस भी ले सकते हो, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि आपको की डिलीवरी कैसे होगी, आपको अपनी ब्रेस्ट की केयर कैसे करनी है, बेबी की केयर कैसे करनी है, जब बेबी हो जाएगा उसको कितना फीड कराना है, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करानी है, इन सब चीज़ों की जानकारी उसमें दी जाती है, तो आप वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं जो वुड बी डैडीज हैं उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा। देखिए, आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपको घर का एनवायरनमेंट बहुत ही रिलैक्सिंग पीसफुल बनाना है, जिससे कि मॉमीज खुश रहें, मॉमीज को जिसमें अच्छा लगे, जिसमें वो खुश रहें, उनको वही काम करना है, क्योंकि इससे बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होगा। अगर कभी भी मदर को स्ट्रेस होता है तो कैटेकोलामीन्स रिलीज हो जाते हैं, कैटेकोलामीन्स के रिलीज होने की वजह से बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक सकता है। तो आपको घर में बहुत ही अच्छा एटमोसफेयर, रिलैक्सिंग एटमोसफेयर बना के रखना है, जिससे कि मम्मी मैक्सिमम टाइम्स खुश रहे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि 27th वीक में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, आपको क्या टिप्स फॉलो करनी है, आपका बेबी कैसे कैसे बढ़ रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपनी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।